स्टूडेंट आई एम निहाल यादव फ्रॉम महाराजगंज। बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स को शुरू कर दिया है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने चैनल एनके मैट्रिक 2.0 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय का फार्मूले को आज डिराइव करेंगे, जानेंगे इसमें क्या क्या फार्मूले हैं, फिर हम अगले आने वाले पार्ट 2 वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल को करेंगे। बट उससे पहले आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्या क्या जानेंगे, पहले इसके मोस्ट फार्मूले को जानेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला क्या है, तो फ्रेंड पहला फार्मूला है फाई ई इक्वल ई ए कॉस थीटा। क्या हमारा फाई ई इक्वल ई ए कॉस थीटा। तो अब हम जान लेते हैं यहाँ पर हमारा फाई क्या है, ई क्या है और ए क्या है। तो फ्रेंड हम आपको बता दें, जो फाई है ये फाई, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग फाई ई इक्वल हमारा वैद्युत फ्लक्स है। क्या फ्रेंड, वैद्युत फ्लक्स, ये क्या हमारा वैद्युत फ्लक्स है। अब बात करें ई हमारा क्या है, तो ई हमारा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ए क्या है फ्रेंड, ए हमारा क्या है, ये हमारा क्षेत्रफल है। ओके स्टूडेंट, अब बढ़ते हम लोग सेकेंड फार्मूले पर। तो सेकेंड फार्मूला क्या है, हम ये जान लेते हैं। सेकेंड फार्मूला हमारा फाई ई इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हमारा फाई ई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। आप लोग जानते हैं फाई ई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। ई हमारा क्या है, आवेश है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट वायु तथा निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, वायु तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10^-12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड, अब हम बात करते हैं थर्ड फार्मूले पर। सो फ्रेंड, थर्ड फार्मूला है लेमडा इक्वल क्यू बाई एल। तो यहाँ पर लेमडा क्या है, रेखीय आवेश का घनत्व है। क्या हमारा, रेखीय आवेश का घनत्व, रेखीय आवेश का घनत्व। ओके फ्रेंड, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला, फार्मूला नंबर 4। तो सिग्मा इक्वल होता है क्यू बाई ए। क्या होता है, क्यू बाई ए, आपको पता है कि क्यू आवेश है, ए क्षेत्रफल है और सिग्मा क्या है। तो सिग्मा फ्रेंड हमारा आवेश का पूरा घनत्व, जितना घनत्व होगा वो हमारा सिग्मा कहलाएगा। आवेश का जितना पूरा भी ए टू जेड जितना भी घनत्व होगा वो हमारा सिग्मा कहलाएगा। ओके फ्रेंड, अब हम फार्मूला नंबर 5 देखते हैं क्या है। फार्मूला 5 है हमारा रो इज इक्वल टू क्यू वाई वी। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, आवेश का आयतन घनत्व। क्या है, आवेश का आयतन घनत्व है। ओके फ्रेंड, अब हम बात करते हैं फार्मूला नंबर 6 पर। फार्मूला नंबर 6 देखते हैं क्या हमारा, फार्मूला 6 हमारा इक्वल 1/4πε0 × 2λyr। क्या है, 2λyr। ओके फ्रेंड, आपको पता होगा जो ये है इसका वैल्यू कितना होता है फ्रेंड, तो इसका वैल्यू होता है 9 × 10^9। तो हम इस फार्मूले को
इक्वल 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 लेमडा बाई आर वी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो अब बढ़ते हैं फार्मूला नंबर 7 पर। फार्मूला नंबर 7 क्या है, हम इसे देखते हैं। सो फ्रेंड, फार्मूला नंबर 7 है, हम आपको पहले बता दें कि फार्मूला 7 क्या बनेगा हमारा। आवेश गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, आवेश गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके फ्रेंड, तो अभी इसमें क्या आता है, इसमें आते हैं तीन कंडीशन आते हैं। क्या आता है, पहला कंडीशन होता है वायु बिंदु पर हो, दूसरा आता है पृष्ठ पर हो, तीसरा हो आंतरिक बिंदु पर हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कहां, बाह्य बिंदु पर। सो फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन जो 7 में मैं फार्मूला बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है, यही फार्मूला सबसे अधिक बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो बाह्य बिंदु पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, बाह्य बिंदु पर ये हो जाएगा हमारा इक्वल 9 × 10⁹ इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके फ्रेंड, हमारा बाह्य बिंदु पर क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पृष्ठ पर क्या होगा। पृष्ठ पर होता है फ्रेंड इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर। यहाँ क्या होता है, यहाँ कैपिटल आर होता है। ओके फ्रेंड, अब बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आंतरिक बिंदु पर क्या होता है। तो आंतरिक बिंदु पर क्या होता है फ्रेंड, चलिए हम लोग देखते हैं। सो स्टूडेंट, आंतरिक बिंदु पर देख लेते हैं क्या होता है हमारा। तो आंतरिक बिंदु पर ई को हमारा क्या होता है, जीरो होता है। इक्वल क्या होता है, जीरो होता है। हम आपको फिर बता दें ई क्या है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके स्टूडेंट, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या है। फार्मूला नंबर एट क्या है हमारा, QE = mg। क्या है फ्रेंड, QE = mg। फार्मूला नंबर 9 E = σ/ε0। इस तरह से मैंने फ्रेंड इस वीडियो में टोटल 9 फार्मूला बताया है। जो 9 फार्मूला मैंने बताया फ्रेंड, ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। आई होप कि आपको ये 9 फार्मूले याद हो चुके होंगे। नहीं याद है तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक देख कर इस वीडियो को इतना लाइक कीजिए कि मैं अगला वीडियो जरूर लेकर आऊँ। सो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर से मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।